हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है लादी पाव की। इस पाव को हम हमेशा बाहर से खरीद के लाते हैं। जो भी हमें कुछ बनाना होता है तो हम इस पाव को बेकरी से खरीद लेते हैं। लेकिन आज मैं आपके लेके आई हूँ ऐसा सॉफ्ट और इतना स्पॉन्जी लादी पाव जो आप इसे आसानी से घर में बना सकते हो। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेना है हमें एक गिलास गुनगुना पानी एक बर्तन में। इस पानी में डालेंगे हम एक चम्मच शक्कर। ये पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना है। तो शक्कर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ईस्ट। एक्टिव ईस्ट है वो हमें एक चम्मच लेना है और इसे मिक्स करना है। कोई कोई ये पानी के बजाय दूध भी ले लेता है, लेकिन मैं आपको पानी में बता रही हूँ। तो अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन रखेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 15 मिनट पूरे हो गए हैं, आप देख सकते हो इसके ऊपर कैसे झाग आया है। यही वाला हमें चाहिए। अगर आपके पानी में ऐसा वाला झाग नहीं आता है तो आप वो पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमें लेंगे मैदा। मैदा लिया है मैंने यहाँ दो बड़ी कटोरी। दो बड़ी कटोरी मैदा के लिए हम यहाँ एक चम्मच ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हमें दो चम्मच डाल देना है। मैंने यहाँ दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए मैं यहाँ मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पानी की जगह आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम यहाँ डालेंगे नमक। नमक हमें आधा चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ लेंगे हम जो हमने पानी बना के रखा था इस डाल के वो वाला लेंगे और ऐसा थोड़ा थोड़ा करके इसका एक डो लगा लेंगे। एक साथ पानी को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम ये पानी इसमें डाल देंगे। इस आटे को अच्छे से मसल लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे अच्छी तरह से मसल के आटा लगा दीजिए। तो यहाँ मैंने पूरी तरह से आटा नहीं लगाया है, अभी बाकी है। तो उससे पहले हम इसमें डालेंगे बटर। आपके पास बटर नहीं है तो आप एक चम्मच घी भी डाल सकते हो। अगर घी भी नहीं है तो आप इसे तेल में भी कर सकते हो। तो आप इसमें एक चम्मच तेल डाल दीजिए। बटर डालने के बाद अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और हाथों से मसल मसल के इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। हम इस आटे को कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से मसल लेंगे। अगर आप पाव को सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो आपको हाथ भी उतना तेज़ी से चलाना पड़ेगा और आटे को एकदम सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, तभी आपका पाव एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ मैंने इस आटे को अच्छी तरह से मसल लिया है, आप देख सकते हो। इस तरीके से हमें डो को लगा लेना है। तो अब ये तैयार है। अब हम इसी बर्तन में इसको रख देंगे ऐसे फोल्ड करके, एक गोल सा इसका डो बना के रख देंगे इसमें। अब हम इस आटे के ऊपर एक ढक्कन रखेंगे और इसे हम रखेंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए कोई गर्म जगह पर। अगर ठंडी के दिन चल रहे तो आप इसको गर्म जगह पे रखिए, नहीं तो आप नॉर्मल जगह पे रख सकते हो। तब अब मैं इसके ऊपर एक ढक्कन रख देती हूँ और इसे रख देती हूँ 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए रखा था, 1.5 घंटा पूरा हो गया है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए तो आटा हमारा पूरा डबल हो चुका है, ईस्ट ने अपना काम कर दिया है। इसी तरह आटा फूलता है जब हम आटे में ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको स्पंज करेंगे, ऐसा इसका ईयर निकाल देंगे थोड़ा सा। फिर से ऐसा हम इसको थोड़ा सा हल्का सा मसल लेंगे, ज़्यादा नहीं, पहले जितना। तो अब हम इसका एक थोड़ा सा लोई तोड़ लेंगे। आपको जैसा पाव चाहिए, छोटा बड़ा, उस हिसाब से आप इसकी लोई तोड़ दीजिए। मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बना रही हूँ, तो इतना लोई मैंने ले लिया है। और इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है, मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, बस ऐसे ही। तो बस अब ये रेडी है। अब इसको रख देंगे ऐसे एक ट्रे में।
इसी तरीके से हम सारी लोई तोड़ के इसका ऐसा गोल सा बना लेंगे और ट्रे में रखेंगे। तो यहाँ मैंने सारे लोई को तोड़ के गोल सा बना लिया है और रख दिया है ट्रे में। अब हम इसे फिर से रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर। हाँ, हमारा 1.5 घंटा पूरा हो गया है। जो हमने डो बना के रख दिए थे इसमें वो पूरी तरह से फूल गए हैं। तो इसी तरीके के हमें फूले फूले पाव बनाने के लिए चाहिए होता है। तो चलिए अब इसको बेक करने की तैयारी करते हैं। बेक करने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ लिया है मैंने दूध और हल्का सा इसके ऊपर ऐसे हम लगाएंगे दूध को, ताकि हमारा जो पाव में हम कलर देखते हैं वो इसी की वजह से आता है। दूध बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर लगाना, तो आप इसे ज़रूर लगा दीजिए। कोई कोई जो अंडा खाता है वो अंडा भी लगाता है, लेकिन मैंने आपको दूध में दिखा दिया है। तो मैंने यहाँ पूरे दूध से ग्रीस कर लिया है इसके ऊपर। यहाँ मैंने ओवन को रखा था पहले से ही प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पर 150 डिग्री पर। तो ओवन प्री हीट हो गया है। अब हम पाव रखने के लिए फिर से वही डिग्री लगाएंगे 150 और मोड वही लगाएंगे कन्वेक्शन और टाइमिंग लगाएंगे 17 मिनट का। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और हमारा पाव का ट्रे इसमें रख देते हैं। तो रख दिया है इसके अंदर हमने। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम। स्टार्ट कर दिया है मैंने। अब इसको हम देखेंगे 17 मिनट के बाद ही। तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, ना खोल के देखेंगे। यहाँ हमारा टाइमिंग खत्म होने वाला है। बस खत्म हो गया। अब हम खोल लेते हैं तो देखते हैं। पाव को हमारे अच्छे से कलर आ गया है। ये अच्छे से बेक हो गया है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से फूल गया है और कितना बढ़िया सा कलर भी आ गया है। अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे, ताकि हमारे पाव में जो थोड़ी सी शाइन होती है वो आ जाए। बटर डालने से अच्छी सी चमक आती है पाव में, तो इसीलिए आप इसमें घी का या बटर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो इसको मैंने अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है। देख सकते हो आप कितना चमक मार रहा है ये पाव। तो अब हम इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा डालेंगे हल्का सा गीला करके, और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे हम ठंडा होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए। तो इसको मैंने पूरे 25 मिनट के लिए रखा था। तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो इसको ले लेते हैं हम एक ऐसे बोर्ड पे। चाकू से हम ऐसे चुड़ाएंगे साइड का। अब इसको ऐसे पलटा देते हैं बोर्ड के ऊपर। कितने अच्छे से ये निकल आया है पूरा बढ़िया तरीके से। तो देखिए कितने बढ़िया मज़ेदार लग रहे हैं हमारे ये पाव, पूरे फूले फूले। अब मैं आपको पाव को तोड़ के भी दिखाऊंगी, पूरा छुड़ाऊंगी। देखिए ये कितना बढ़िया तरीके से छूट रहा है। देखिए कितना सॉफ्ट भी बना है। देखिए वाव, पूरी चाली बन गई है हमारे पाव में, और ये बेक भी अच्छे से हो गया है, कहीं भी कच्चा नहीं रहा है। आपको मैं एक पाव को ऐसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए सब अंदर तक इसकी अच्छी सी जाली बन गई है। तो ऐसी थी आज की हमारी सॉफ्ट लादी पाव की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई और ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।